अस्सलाम वालेकुम, देसी लाइफ देसी स्टाइल फिर आपके साथ। तो जी आज की जो वीडियो है वो फरमाइशी रेसिपी है, किसी की बहुत पुरजोर फरमाइश पे बन रही है। आज बन रहे हैं हमारे किचन में बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में आलू बैंगन। ये रेसिपी मेरी चची की है और वही बनाएंगी, वही बताएंगी आप लोगों को। तो सबको उनको आलू बैंगन बहुत पसंद है, तो मैंने इनसे फरमाइश की थी वो बनाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ के चलते हैं। कितनी देर बनाना है? बस थोड़ा सा सौते कर रहा है, इसको नरम हो गया प्याज। ये बैगन में काट रही हूँ, फिर देखा काट रही हूँ, इसको दिखाओ। अच्छी कटिंग देख रहे हैं आप? ऐसे ऐसे काट रहे हैं, सीख लो सारे। जिसका जिसका नहीं आते ना ऐसे कट करना है। बैंगन कितने? आधा किलो बैंगन। आधा किलो बैंगन ले लिया। ये लाइव कुकिंग हो रही है। चलो ये बनने हैं फरमाइश पर, स्पेशल फरमाइश पर आंटी के आलू बैंगन। अब बैंगन इसको डाल के, आंच कितनी है? मीडियम मीडियम आंच है ना। बैंगन झटपट बैंगन बन रहे हैं आप लोग। तो मैं भी आपको मान रही हूँ, मेरा भी नाम आया। एक बड़ा टमाटर और थोड़ा सा लहसुन, आधा किलो आलू हैं और थोड़ी सी सब्ज़ी मिर्च हैं। अच्छा जी, अब ये टमाटर और लहसुन का पेस्ट चला गया। एक टमाटर और थोड़ा सा लहसुन। थोड़ा सा पानी, इसके मसाले जा रहे हैं। मसाले की रिकॉर्डिंग थोड़ी जी मिस हो गई, तो मैं वैसे ही आप लोगों को बता देती हूँ। एक चम्मच हमने डाला है नमक यानी सॉल्ट का, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च, और 1 चम्मच 1 टेबलस्पून टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी का। टोकरी 3 से 4 अदद आलू। हाँ ये कर, डेढ़ पाव आलू ना, डेढ़ पाव आलू। आधा किलो बैंगन, डेढ़ पाव आलू, रेशो याद रखें, ना ज़्यादा छोटे हों ना ज़्यादा बड़े हों, दरमियाने साइज के। चलें ये कट हो गए हैं। वॉश करेंगे। चलो आलू चलो बस ये पकेंगे। अब ये पकता रहे, फिर जब थोड़ा सा हो जाएगा ना, फिर बाकी चीज़ें इस पर डालेंगे। है अभी फिर हाफ रेसिपी होगी ये डन, बाकी मसाले आएंगे बाद। चलो कितनी देर बाद? कम से कम 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद हमने इसका ढक्कन उठाया। चलो फिर बैंगन मैश कर दिए। अब इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट जा रहा है अचार मसाला।
चाय मसाला किसी भी कंपनी का ले लें आप। कितने चम्मच? दो चम्मच। दो चम्मच डाल दिया, धनिया डाल दिया। चल ये इसमें डाल रहा है सब्ज धनिया। तीन चार सब्ज मिर्चें डाल दी, बस मोटी मोटी कट करके। कसूरी मेथी दो चम्मच। दो चम्मच कसूरी मेथी के, बस। अब इसको हम गरम मसाला डालेंगे। फिर गरम मसाला कितनी देर बाद? बस अभी दम, अभी गरम मसाला डाल के ना दम पे रखूँगी। दम कितने मिनट देना? कम से कम 10 मिनट, इसका आयल ऊपर आ जाएगा ना फिर। ठीक है, एक चम्मच गरम मसाले का चला गया। अब इसको ना 10 मिनट दम पे, अब इसको दम पे रखेंगे, इसका आयल ऊपर आ जाएगा तो फिर ये डन हो जाएंगे ना। डन 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 डन, ये दम के बाद की फाइनल कंडीशन। बैंगन तैयार है ना। कितने मिनट दम दिया था? 10 मिनट। 10 मिनट दम दिया, आयल ऊपर आ गया ना। ये देखना। हाँ जी जी, ये थी आज की यम्मी वाली रेसिपी। होप आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे तो सब ना जो नए भी आलू बैंगन खाते ना वो खाने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अचारी सा और खट्टा सा बहुत मज़े का टेस्ट डिफरेंट सा आ रहा होता है, तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो जी, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।